अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर जो है वो सेल कलर को किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर कोई भी डिफॉल्ट फार्मूला इसका नहीं होता कि जो कलर सेल्स हैं उसको हम काउंट कर सकें। तो इसके जो है वो हमारे पास तीन चार मेथड्स हैं जिनमें से जो है वो मैं आपको वन बाय वन सारे बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने डाटा पर आ जाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पेसिफिक डेट्स को मैंने जो है वो कलर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो है हमारे पास तीन तरीके हैं। हम इसको सबटोटल से भी जो है वो काउंट कर सकते हैं, हम इसका माइक्रो भी बना सकते हैं और वी बी अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफॉल्ट फार्मूला जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सबटोटल से आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, सबटोटल का फार्मूला जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वहाँ से भी उसको विजिट कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि मैं सम लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हमने यहाँ पे क्या लिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम काउंट लिख देते हैं और यहाँ पे मैं मैक्स वैल्यू ले लूँगा। ठीक है, तो सब टोटल के फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे सब टोटल लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि मुझे काउंट करना है तो मैं काउंट के ऊपर जाके और टैब प्रेस करूँगा तो ये मेरा उसका जो नंबर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मैनुअली राइट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली और इसको एंटर कर दिया। अब ये मुझे 31st दिखा रहा है, मतलब 31 जो यहाँ पे डाटा जो है उसको काउंट हुआ है, 31 रॉज जो है उसको काउंट हुई है। ठीक है, उसने काउंट किए। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है तो हम सब टोटल में जाके मैक्स के ऊपर जाएंगे और टैब दबाएंगे। ठीक है, और मैनुअली आप 4 भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे क्योंकि वैल्यू का मैक्स चाहिए तो मैं वैल्यू का मैक्स दे देता हूँ। अभी ये मुझे जो है वो इस पूरे डाटा के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जिस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है 53 मिलियन थी, तो ये उसी को जो है वो मैक्स वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर सम ले लेते हैं। रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, अच्छा, सेम मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे यहाँ पे वैल्यू का सम चाहिए था। अच्छा, इसको मैं अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या काउंट करना है, मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि जो मेरे सेल्स कलर हुए हुए हैं उसका मुझे डाटा जो है वो काउंट हो जाए कि भाई उसकी जो है वो उन डेट्स के अंदर जो है वो रॉस समझ लें कितनी है, मतलब वैल्यूज कितनी है, उसका सम कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिल्टर के अंदर एक ऑप्शन होता है फिल्टर बाय कलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर बाय कलर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्योंकि मैंने सब टोटल का फॉर्मूला लगाया था तो उसने सारी वैल्यूज़ को जो है वो रिकैलकुलेट कर दिया। जो विजिबल सेल्स हैं सिर्फ जिसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ है उनकी वैल्यूज मुझे दिखा रहा है। ठीक है, वो दिखा रहा है कि टोटल रॉस हैं वो कितनी है, 5 है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 5 है। इसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो कौन सी है, यहाँ पे 26 मिलियन है इन 5 में से। ठीक है, और यहाँ पे इनका टोटल सम बता रही है और यहाँ पे जो है वो इसका सम बता रहा है क्वांटिटी का। ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है वो सेल को काउंट करने का, कलर सेल्स को काउंट करने का, वो सबसे पहला जो मेथड होता है हमारे पास ये होता है कि हम फिल्टर के अंदर जाके उसको सॉर्ट फिल्टर बाय कलर करेंगे। ठीक है, सॉर्ट बाय कलर नहीं करेंगे, वरना उससे क्या होगा कि सारे कलर वाले जो सेल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर बाय कलर करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर बाय कलर, ये सॉर्ट बाय कलर अगर हम करेंगे तो सारे जो कलर्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और जो सिंपल सेल्स होंगे वो नीचे से जाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर बाय कलर करना है। तो इससे हमारे जितने भी सेल्स के ऊपर कलर हुआ होगा वो सब फिल्टर हो जाएंगे, और क्योंकि हमने यहाँ पे सब टोटल का फॉर्मूला लगाया हुआ है तो जो विजिबल सेल्स होंगे सिर्फ उन्हीं का डाटा जो है वो हमें यहाँ पे उसको वो कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एवरेज भी आता है। इस तरीके से अगर आप सब टोटल के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप सारे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको डाटा चाहिए। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड था सेल्स कलर्स को काउंट करने का, वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी इसके जो दो और मेथड्स हैं जिसमें हम मैक्रो के थ्रू और डिफॉल्ट फार्मूला क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा।